केसरी देवी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए सम्मान के संग सहायता के मूल मंत्र के साथ दिल्ली के भोगल में मां केसरी देवी जनसेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। सेवा केंद्र पर जरूरतमंद एवं गरीब के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास एवं शिक्षा व प्रशिक्षण उपलब्ध कराई जाएगी। जनसेवा केंद्र के पहले दिन लगाए गए फ्री चेकअप कैंप में भारी संख्या में लोगों ने अपना स्वास्थ्य चेकअप एवं आंखों की जांच कराई। यह सेवा कल से प्रतिदिन जनसेवा केंद्र के परिसर में उपलब्ध होगी। इस अवसर पर मनोज गौतम ने बताया कि इस जनसेवा केंद्र के स्थापना के पीछे हमारा मुख्य ध्येय समाज के उन वर्गों तक स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास एवं रोजगार परक शिक्षा पहुंचाने का एक प्रयास है, जो पैसे के अभाव में इनसे वंचित रह जाता है। मेरा मानना है कि समाज से ही आपको जीवन में बहुत कुछ मिलता है, तो आपका भी कर्तव्य है कि उसका कुछ हिस्सा आप समाज वंचितों के सेवा के रूप में लौटाए। मैं भी अपनी माँ केसरी देवी के स्मृति में आज समाज के जरूरतमंद के लिए मुफ्त सेवा प्रदान करने का यह छोटा सा प्रयास शुरू किया है। इस अवसर पर केंद्र में प्रतिदिन रोगों की जांच व इलाज, जोड़ों का दर्द का इलाज एवं फिजियोथेरेपी, माँ की रसोई, चश्मा वितरण, कौशल विकास एवं शिक्षा प्रशिक्षण की मुफ्त सुविधा उपलब्ध होगी। नमस्कार, मेरा नाम मनोज गौतम है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं माँ केसरी देवी जनसेवा केंद्र के उद्घाटन के लिए। ये अपनी तरह का एक अनोखा केंद्र रहेगा, जिसमें मल्टी फैसिलिटी मेडिकल रहेगा जरूरतमंद लोगों के लिए। उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर्स पर बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, और उससे ऊपर वाले फ्लोर पर महिलाओं के रोजगार के लिए काम किया जाएगा। ये सभी प्रकार की सेवाएँ चैरिटेबल हैं पूरी तरह से, इसमें कोई भी कमर्शियल इंटेंशन के साथ काम नहीं किया जा रहा है। तो जो सोच और नीयत है, जो हमें प्रेरणा मिली कि हम ऐसा कुछ कार्य करें कि समाज को वापस दे सके जो समाज से हमें मिला है, तो हम लोगों ने ये सेंटर भोगल में स्टार्ट किया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इसका प्रचार और प्रसार करें, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, और जहां तक संभव हो हम जो समाज के निचले तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठा सके, इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँ। सर, मैं आशुतोष कुमार हूँ और मैं SBC बैंक में कार्यरत हूँ, और मैं सर के साथ लगभग 10-12 सालों से जुड़ा हूं और कंटिन्यूसली इस सेवा के द्वारा लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं, और सर के जो नेचर हैं उस नेचर से लोगों को बहुत हेल्प हो रहा है, और इन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है जिससे जो जिन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है, जिनके पास पैसे की अभाव है, उनको बहुत बड़ा इससे हेल्प मिलेगा। और जैसे इन्होंने आँखों के लिए चश्मे का व्यवस्था किया है, डॉक्टर्स का डेली का उसका देखने की व्यवस्था किया है, तो उससे लोगों को, अगल बगल के लोगों को जो जिनको सुविधा नहीं है उनको बहुत हेल्प मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती केसरी देवी जी के एक बहुत अच्छे कार्य जो मिस्टर मनोज गौतम ने शुरू किया है यहाँ भोगल में। इन्होंने एक जन सुविधा केंद्र यहाँ पे शुरुआत की है, बहुत ही नेक शुरुआत है ये उन्हीं सब लोगों के लिए जो कि नीचे तबके के हैं, जिनको ज़रूरत है लेकिन वो कुछ खरीद नहीं पाते, अपने आप कोई अवेल नहीं कर पाते हैं शिक्षा को और चिकित्सा को, तो उन सभी के लिए यहाँ पर ये मिस्टर मनोज गौतम ने अपनी माता जी के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर ये शुरुआत की है। आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं, जो जिसको किसी को दान देना हो आप दान देने आ सकते हैं, किसी को सेवाओं का अर्पण लेना हो वो लेने आ सकते हैं, तो आप सभी के लिए खुले दरबार हैं यहाँ पर, तो आइए और इसको बढ़ावा भी दीजिए और सेवा में भी दान दीजिए। नमस्कार। BCN न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।